यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर जो है 15 और 16 अक्टूबर को है, तो आपको यहां पास ध्यान देना चाहिए। जी हां दोस्तों, यहां पास एग्जाम सेंटर बार बार चेंज हो रहे हैं और कल एक नोटिस निकली थी जिसमें एक सेंटर चेंज किया गया था और आज फिर से एक और नई नोटिस जारी की गई है जिसमें से 3 सेंटर चेंज किए गए हैं। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से सेंटर यहाँ चेंज किए गए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां इजीली क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कल 10 अक्टूबर को एक नोटिस निकली थी, आज फिर से 11 अक्टूबर 2022 को एक फिर से नई नोटिस निकली है जिसमें से आप यहां देख सकते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा हेतु जनपद श्रावस्ती के 2 परीक्षा केंद्र एवं बलरामपुर का 1 परीक्षा केंद्र जिसका विवरण निम्नवत है से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा केंद्र को अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित करते हुए नवीन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यदि आपका जनपद जो था श्रावस्ती और बलरामपुर था और आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था तो आप फिर से अपना एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आप यहां देख सकते हैं श्रावस्ती का जो परीक्षा केंद्र पुराना था वो बलदेव प्रसाद नागरिक इंटर कॉलेज था, अब इसे बदलकर गौरी शंकर टंडन नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज कर दिया गया है। दूसरा केंद्र यहां बदला गया है श्रावस्ती का, चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज, अब इसे किसमें में इसका सेंटर कहां कर दिया गया है, राजा वीरेंद्र कांत सिंह महाविद्यालय में, ठीक है, तो आप यहां पास ध्यान दीजिएगा। फिर और बलरामपुर का भी यहां पास सेंटर चेंज किया गया है, तो बलरामपुर का जो पुराना सेंटर था गवर्नमेंट आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, ठीक है, फिर इसको बदलकर कौन सी कॉलेज में कर दिया गया है, MIKPG कॉलेज साइंस फैकल्टी ब्लॉक ए तुलसीपुर रोड बलरामपुर, ठीक है, अब यहाँ पास देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आपका सेंटर इनमें से था तो आप फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं कहता हूँ दोस्तों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करिए लेकिन मुझसे जुड़े रहें, ठीक है, क्योंकि इसी तरह की अपडेट 14 तारीख तक आती रहेंगी, बार बार सेंटर बदले जाएंगे, तो आप मुझसे ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।